नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सोनभद्र में सरकार और प्रशासन की एक और विफलता सामने आ रही है। सोनभद्र में खूनी खेल के बाद अब फिर से जमीनी विवाद में 7 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र में हुए खूनी खेल के बाद यहाँ पीड़ितों से मिलने पहुंची, लेकिन बावजूद इसके सोनभद्र में जमीनी विवाद से जुड़े मुद्दे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ की सरकार की बजाय प्रशासनिक अधिकारी हावी हो रहे हैं। सोनभद्र के भवनी थाना क्षेत्र के चैनपुर हरिजन बस्ती में रिश्ते में लग रहे चाचा भतीजे में रहन रखी हुई जमीन के पैसों के लेन देन व जोत कोड के विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनी में किया जा रहा है। भवनी पुलिस घटना का संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भैयालाल ओम प्रकाश व रामकेश महिला प्राणमति व द्वितीय पक्ष से हरिकेश्वर मुन्ना व समारू घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनी में प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि क्या था पूरा मामला। प्रथम पक्ष ओम प्रकाश ने हरिकेश्वर व मुन्ना को लगभग 1400 रुपए देकर जमीन गिरवी रखी थी, जिसमें एक भाई ने रेहन रखी जमीन का आधा पैसा दे दिया। वह एक भाई ने पैसा नहीं दिया था। जिसने पैसा दे दिया था वह अपने हिस्से की जमीन पर जोत कोड करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना था कि पूरा पैसा एक साथ लेंगे। इसी बात से कहा सुनी शुरू हो गई व दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। उसी परिवार में भैया लाल के भाई जैतलाल की 12 दिन पूर्व मौत हो गई थी, जिसका आज 12वीं का कार्यक्रम था, जिसमें वहां पर सैकड़ों रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हीं में से रिश्तेदारों ने बीच बचाव करवा दोनों पक्षों को छुड़वाया, नहीं तो कईयों की जान जाने की संभावना थी। क्या नाम है आपका? हरिकेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? चैनपुर के। आपका क्या मामला है? वो क्षेत्र की बात है। अच्छा, जमीनी विवाद है। पहले किससे मारपीट हुई? पहले तो मारपीट हुई भाई से हमारे हो रहा। उसके हम आ गए थे घर। घर आने के बाद जब इसको मारपीट गिरा दिए तो हमारे पहुना की पहुँचे हमारे दमाद। दमाद को 3 लाठी मारा था, उनका हाथ टूट गया। बीच में छोड़ाओ में रहा गया था, 3 लाठ मार उनका हाथ टूट गया। तो इसके बाद हम घरे से दौड़ ली, हमरे पर दौड़ने मारे के लिए सब सामने रहा इतना दिन का। इसके बाद दौड़ ली तो भाई हमरे पर लाठी चलाएंगे, हम 3 हालात लाठी वोज ले ली भैया लाल मार दे देख ली। हम कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? यहाँ चोट बार बताओ हम मारवाना और हम मारवाना बाकी हमें चोट। इनको कहाँ चोट आई है? सर में हाथ देखिए हाथ टूट गया है। मरने वाले कौन कौन थे? वो ऊपर का भैया राम और रामकेश और काका लोग उनके पूरी परिवार का। तो आप क्या चाहते हैं इस संबंध में? क्या चाहते हैं इस संबंध में? तो साहब ऐसा है कि देखिए अब उसके पूछ लीजिए कि क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो? कार्रवाई तो करबो करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है? जमीन का है सर। जमीनी विवाद है? किससे है? भैया लाल बाबू। हैं? भैया लाल से। अच्छा, तो ये मारपीट उन्हीं से हुई है? तो ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? मामला वहीं से हुआ, वहीं शुरू किया। हम लोग अपने दरवाजे पर थे और मेहरा लेकर पर कुछ होता रहा, वो निकाले लाठी सीधे एकदम चलाने लगा, खचा फच। कितने लोगों के बीच में मारपीट हुई? अरे बहुत, 50 आदमी थे। तो कितने लोग मारपीट कितने लोग कर रहे थे? वो पूरा परिवार। पूरे परिवार? और आप अकेले थे? नहीं, हम लोग 3 आदमी थे। 3 आदमी थे? अच्छा, तो पहले 2 आदमी थे, 2 आदमी हमको मार गिरा दिए ना। हमारा बड़ा भाई अपने घर था, हमको वहाँ कूद ले। कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? चोट यहाँ आया है, यहाँ है, हाथ टूट गया, फिर यहाँ है, फिर कपार पर 2 लाठी, 3 लाठी का लाठी है। तो दोनों पक्ष में मार हुई है कि केवल एक पार्टी मारी है? दोनों पक्ष में हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो बताएगा सर कि हम तो क्या चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।